कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में राजस्थान के 6, महाराष्ट्र के 2 और गुजरात के 1 उम्मीदवार की घोषणा की गई है। और आपको बता दें कि लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के सामने सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अजमेर से पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद रिजु झुंझुनवाला को टिकट दिया है। और इसके साथ ही झालावाड़ बाना से प्रमोद शर्मा, भीलवाड़ा से पूर्व UIT चेयरमैन रामपाल शर्मा, राजसमंद से देवकी नंद गुर्जर और श्रीगंगानगर से भरतराम मेघवाल को टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस की सूची के बाद बीजेपी भी आज अपने शेष उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रथम चरण में 29 अप्रैल को 13 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया को टिकट दिया गया है। कांग्रेस भाजपा ने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया को टिकट मिला है और उनके सामने है राज्यवर्धन सिंह राठौर। खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है दोनों ही पार्टियों ने। अब पूरे 25 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। आपको बता दें कि पहली सूची भी देर रात गुरुवार को जारी हुई थी और दूसरी सूची भी कल देर रात कांग्रेस ने जारी कर दी है और अब पूरे 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जा चुकी है। और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा भी किसी भी वक्त अपनी जो बची हुई जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर सकती है। जयपुर ग्रामीण एक अहम सीट मानी जा रही है, जिससे अब कांग्रेस ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कृष्णा पूनिया पर भरोसा जताया है। और दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस भाजपा ने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। आपको बता दें अब कांग्रेस ने लोकसभा की 25 की 25 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त अब वो भी अपनी सूची जारी कर सकती है और शेष बचे हुए जो सीट है उन पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। अहम सीट जयपुर ग्रामीण, इस पर भी घोषणा की गई है। कृष्णा पूनिया को यहां से मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। कांग्रेस की नई लिस्ट बता रहे हैं आपको। अजमेर सीट पर रिजु झुंझुनवाला पर भरोसा जताया है। झालावाड़ बारा सीट पर प्रमोद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। भीलवाड़ा से पूर्व UIT चेयरमैन रामपाल शर्मा को टिकट दिया गया है। राजसमंद सीट पर देवकी नंदन गुर्जर पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जनरल जी, बताएं कि कांग्रेस ने जो अब 6 सीटों पर घोषणा की है, इस पर क्या राय है आपकी, क्या कुछ कहते हैं आप इस पर? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें नए चेहरे सामने आए हैं और नौजवान लोग हैं ज्यादातर। जी, विजय झुंझुनवाला एकदम नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी, झुंझुनवाला परिवार ने राजस्थान के औद्योगिक विकास में बड़ा योगदान दिया है। भीलवाड़ा में खासतौर पर BSL की नींव रखी थी उन्होंने, सुखाड़े जी के जमाने में उनके दादाजी ने। जी, उसके बाद गुलापुरा जो अजमेर जिले सटा हुआ एक नदी का फासला है अजमेर और गुलापुरा के बीच में, विजयनगर गुलापुरा के बीच में, वहां पर उनकी फैक्ट्री है मयूर शूटिंग की। हजारों लोग अजमेर जिले के वहां काम करते हैं, इसलिए उन्होंने अजमेर में चुनाव लड़ना प्रेफर किया। बिल्कुल नौजवान चेहरे हैं और बीना काक पूर्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनके दामाद भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि कांग्रेस ने पहले एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया था, एक भी गुजर को टिकट नहीं दिया था पहले 19 की लिस्ट में। तो सबसे बड़ा विवाद का विषय ये बना हुआ था कि कांग्रेस ब्राह्मणों को अवॉइड कर रही है, गुजरों को एक तरफ कर रही है या क्या हो रहा है। इस आरोप से बचते हुए कांग्रेस ने रामपाल शर्मा को तो टिकट दिया ही है भीलवाड़ा से, लेकिन वसुंध राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के सामने 12 झालावाड़ सीट से प्रमोद शर्मा को टिकट दिया है। वो बिल्कुल नौजवान चेहरा है, एकदम नया चेहरा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, प्रमोद शर्मा पूरी तरह RSS के व्यक्ति हैं, पूरी तरह संघ परिवार से आते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में दुष्यंत सिंह के सामने उन्होंने लोहा लिया, मोर्चा खोल रखा है और वो निरंतर संघर्ष करते रहे जनता के प्रतिनिधि बनकर के। तो अब उनको कांग्रेस के मैदान में उतारा है, तो बहुत ही अनुशासित है, आधी भाजपा उनका साथ देने को तत्पर दिखाई देती है। इसलिए भाजपा अगर आधी टूट गई और कांग्रेस ने पूरा साथ दे दिया
तो मैं समझता हूँ वे इस मुकाबले को बहुत कड़ा कर देंगे और दुष्यंत सिंह को जीतने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, दो ब्राह्मण और एक गुजर को टिकट दिया गया। देवकी नंदन गुजर जो है उनको देवकी काका कहा जाता है, वो सीपी जोशी के राइट हैंड है विधानसभा अध्यक्ष के, और सीपी जोशी ने जीत कर रखी थी उनको टिकट दिलाने की। तो अब वो चूंकि बीजेपी दिव्या कुमारी को टिकट देने की बात कर रही है जयपुर राज परिवार की सदस्य को, तो वहां पर भारी वर्षे स्थानीय ये मुद्दा हो सकता है। तो इसलिए देवकी काका चूंकि राजसमंद के हैं, नाथद्वारा के हैं, ओरिजिनल उसी जगह के हैं जो सीट है राजसमंद, तो बाहरी कोई जाएगा तो उसको तकलीफ होगी वहां पर चुनाव लड़ने में। देवकी काका के टिकट से एक गुजर को भी टिकट दे दिया, वो कमी भी पूरी कर दी गई है, और स्थानीय को भी टिकट दे दिया गया, और पीपी जोशी के राइट हैंड कहते हैं देवकी काका को, लेकिन गुजर उनको टिकट दे दिया गया। जहां तक रामपाल शर्मा का टिकट का सवाल है, भीलवाड़ा में उनके अलावा दूसरा ऐसा कोई प्रत्याशी था नहीं जिसको टिकट दिया सकता था जी। और ये माना जा रहा था सुभाष भेड़िया लगातार जीतते जा रहे हैं वहां पर, सुभाष भेड़िया के मुकाबले में किसी ब्राह्मण को उतारा जाए तो रामलाल शर्मा को उतारा, लेकिन रामपाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती रामलाल जाट है जो विधायक है इस वक्त बांडल से, वो कांग्रेस का एक दूसरा रूप है जो रामपाल शर्मा का विरोध है। कांग्रेस अगर एकजुट रही तो वहां कड़ी चुनौती पेश कर पाएगी, अगर एकजुट नहीं रहती कांग्रेस तो चुनौती पेश नहीं कर पाएगी। सुभाष भेड़िया के सामने वो दिग्गज है, दो बार सांसद रह चुके हैं, दो तीन बार विधायक रह चुके हैं, उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को एकजुट होना पड़ेगा। रामपाल शर्मा यूआईटी चेयरमैन है, उन्होंने भीलवाड़ा में बहुत विकास का काम किया यूआईटी चेयरमैन रहते हुए, लेकिन जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होगी वो कड़ी चुनौती पेश नहीं कर सकते। जहां तक रिजु जुनिंदा का सवाल है, वो गुलापुरा में उनका मिल है जो एक नदी दूर है केवल अजमेर जिले से, विजयनगर के हजारों लोग वहां काम करते हैं अजमेर जिले की गुलापुरा में, और वो नौजवान है बिल्कुल नए हैं और आकर चुनाव लड़ेंगे। तो जो स्थानीय उम्मीदवार भागीरथ चौधरी है उनके सामने किस तरह वो चुनाव लड़ पाते हैं इस पर निर्भर करेगा चुनाव का नतीजा। अगर वो ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ पाए, स्थानीय सपोर्ट उनको मिला, कांग्रेस एकजुट रही, कांग्रेस ने भीतरघात नहीं की, तो निश्चित तौर पर वो कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में आ जाएंगे। जी अनिल जी, भाजपा भी अब कभी भी अपने राजस्थान के लिए दूसरी सूची जो है वो जारी कर सकती है, तो उसके लिए क्या कुछ संभावनाएं? देखिए वो राजसमंद से दिया कुमारी को लेकर बात चल रही है क्योंकि वो राजपूत चेहरा चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है बड़ा राजपूत चेहरा चाहिए ये। हालांकि मेरे भी समझ के बाहर है कि मेवाड़ में जयपुर राजघराने की राजकुमारी को टिकट देना बहुत बड़ा जोखिम का काम होगा, क्या भाजपा ये करेगी, ये आश्चर्य की बात होगी। बाकी नाम भी अब सामने आने वाले हैं थोड़ी सी देर में, मेरे को लगता है आज शाम 4-5 बजे तक सामने आ जाएंगे। और एक बात जो हम इस पर चर्चा करना रह गया हमारा कि कृष्णा पूनिया को जो टिकट दिया गया है जयपुर ग्रामीण, ओलंपियन के सामने ओलंपियन को उतारा गया है जो हमारे भारत के इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता क्षमा करें, तो उनके सामने कृष्णा पूनिया भी ओलंपियन है, डिस्कस थ्रो में ओलंपियन है, वो एशियाई खेलों में मेडल जीती हुई है और वर्तमान में विधायक भी हैं शेखावाटी से जी। तो वो परसों ही हमारे साथ थी रात को एक कार्यक्रम में, तो उनको तो इल्म भी नहीं था उनको शायद लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जरा भी अंदाज नहीं था उनको इस बात का, अचानक उनको टिकट मिला। लेकिन वो जाट भी हैं, युवा भी हैं, महिला भी हैं और ओलंपियन भी हैं, इसलिए अब लगता है कि अन्ना जितनी मेहनत की थी राजवर्धन सिंह राठौड़ में ऐसा लग रहा था चुनाव एक तरफा हो जाएगा, लेकिन कृष्णा पूनिया के उतरने से अब चुनाव मुझे नहीं लगता एक तरफा होगा, अब वे कड़ी टक्कर देने की स्थिति आ जाएंगे क्योंकि 3-3.5 लाख जाट वोट भी उस इलाके में है, और कृष्णा पूनिया का यूथ होना, जाट होना, ओलंपियन होना और एक महिला होना चारों उनके पक्ष में जाते हैं, इसलिए वो एक कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। जनरल जी कह सकते हैं जयपुर ग्रामीण से रोमांचक होने वाला है मुकाबला। जी और आश्चर्य की बात भी है और ये सुखद संयोग है कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण पहली बार कांग्रेस ने दोनों जगह से महिला प्रत्याशी उतारे हैं। जी जी अनिल जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ये थे राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, फोनलाइन पर मौजूद थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जो अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है उसके बारे में विस्तार से बताया।